नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फैमिली पेंशन और पेंशन अपडेशन के बारे में मुख्य बातें ये है कि 30 तारीख यानी 30 जून को दो मुख्य घटना हुई। पहला तो AIBRF की टीम फाइनेंस मिनिस्टर से उनके रेजिडेंस पे मुलाकात किया और उसमें AIBRF डेलीगेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी श्री मित्रा बसु, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री सुरेश शर्मा एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर VK जुनेजा मेट द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन एट हर रेजिडेंस इन दिल्ली ऑन 30 एंड सबमिटेड द फॉलोइंग मेमोरेंडम टू हर एज ए फॉलो अप मेजर टू इनवाइट हर अटेंशन ऑन अनड्यू डिले टेकिंग प्लेस इन सैंक्शन ऑफ फैमिली पेंशन एंड द एक्स ग्रेसिया अमाउंट एंड टू रिक्वेस्ट फॉर हर टू क्लियर द पेंडिंग प्रपोजल्स एट द अर्लीस्ट। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम सबमिटेड टू हर इज सी लिसन टू द मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन ऑन द इशू वेरी पेशेंटली एंड इन्फॉर्म दैट सी इज फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल आर ऑन द जॉब एंड फाइनल अप्रूवल ऑन दीज प्रपोजल्स विल बी गिवन सून। सी ऑल्सो एश्योर्ड द डेलीगेशन दैट अपडेशन इशू इन ऑल्सो अंडर प्रोसेस एंड फाइनल डिसीजन ऑन इट्स will be taken soon. DGS Sri Mitra Basu conveyed profound thanks and gratitude to her on behalf of the organization and lakhs of bank retirees to taking very positive stand on the long pending issues of the bank retirees. Friends, AIBRF ki team ne Vitt Mantri se mulaqat karke is bare mein charcha kiya ki family pension ka issue aur pension updation ka issue turant solve kiya jaye। ये सच है कि वित्त मंत्री ने जो उनकी बातें सुनी, लेकिन क्या होना है, क्या होगा, ये अभी भी कुछ डिसाइड नहीं है। इसके अलावा 30 तारीख को एक और घटना हुई कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन बोर्ड की सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने पार्लियामेंट एनेक्सी में मीटिंग किया, जिसमें कुछ बैंकों के और DFS के अधिकारी आए थे। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि इस मीटिंग में बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ दो और बैंकों के लोगों ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोगों ने भाग लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मीटिंग थी, ये एक रेगुलेटरी मीटिंग होती है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे कुछ जो MPs जैसे कि श्री राम कृपाल यादव, ऑनरेबल MP श्री सुरेश कुमार पुजारी, इन लोगों ने इस कमेटी में ये मुद्दा उठाया कि डीएफएस के अधिकारी जो वहाँ पे थे, श्री पंकज जैन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ DFS एंड फ्यू MD एंड CEO ऑफ द बैंक्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑनरेबल MPs स्ट्रेस ऑन टू नो द रीजंस फ्रॉम श्री पंकज जैन फॉर इनऑर्डिनेट डिले इन रिवाइजिंग द पेंशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दिस मैटर एट द अर्लीस्ट। श्री पंकज जैन एश्योर्ड ऑनरेबल MPs दैट द मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द प्रेजेंट। ऑनरेबल MP अगेन आस्क्ड श्री पंकज जैन टू एक्सपेडाइट द मैटर इन व्यू ऑफ द रिविजन अपडेशन इन पेंशन ऑलरेडी परमिटेड बाय DFS टू RBI नाबार्ड पेंशनर्स। अब यहाँ पे बात यह आती है कि जो MP श्री राम कृपाल यादव, जो पटना से बिलोंग, बिहार से बिलोंग करते हैं, वो और एक अन्य MP ने जो इस बारे में सीरियसली इस बात को उठाया, लेकिन जो रेगुलेटरी मीटिंग थी उसमें इस बात को उठाने से हम पेंशनर को कितना लाभ मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये अच्छी बात है कि हमारे रिटायरी एसोसिएशन के लोग इनिशिएटिव लेके अपने फाइनेंस मिनिस्टर का, DFS का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट विल नॉट इनिशिएट फॉर द पेंशन अपडेशन ऑटोमेटिकली। गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएशन ऑटोमेटिकली नहीं लेगी स्वतः, जब तक कि उसके पास IBA के द्वारा कोई प्रपोजल जाता नहीं है। तो आज की डेट में ऐसा कोई प्रपोजल IBA ने पेंशन अपडेशन के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं भेजा है, और अभी तक नहीं भेजा है तो हाउ इट इज अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट। अच्छा, IBA जब तक ये फाइनलाइजेशन यूनियन के साथ मिलके कि किस मॉडल क्या होगा,
क्या अपडेशन के लिए कौन से मॉडल अडॉप्ट किए जाएंगे, आरबीआई मॉडल होगा, नाबार्ड मॉडल होगा, और अगर ये है तो फंड रिसोर्सेस कहाँ हैं, फंड पेंशन फंड का क्या हो रहा है, हाउ मच बर्डन, कितना बर्डन आएगा, एक्वरियल का जो रिपोर्ट आना था वो आया कि नहीं आया। अगर जब तक इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक आईबीए और यानी यूनियन मिलके अगर एक कंसेंट, एक म्यूचुअल कंसेंट पे नहीं आते हैं कि हाँ क्या डिसीजन होना है पेंशन अपडेशन के बारे में, क्या पेंशन रेगुलेशन एक्ट में भी कुछ चेंज होना है, कैसे कर मॉडिफिकेशन करना है, कैसे करना है, जब तक इन सब बारीक बातों का निचोड़ तैयार नहीं होता है तब तक नहीं लगता है कि आईबीए कोई प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेगी। और फ्रेंड्स, जब आईबीए अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को नहीं भेजेगी तो गवर्नमेंट इस पर ऑटोमेटिकली कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। आपने देखा फैमिली पेंशन के इशू में क्या हुआ कि सारे मेमोरेंडम साइन होने के बाद, ज्वाइंट नोट साइन होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद भी सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के को आईबीए ने अपना प्रपोजल भेज दिया है, उसके कोरीज को इन्फॉर्मेशन दे दिया है, स्टिल इट इज पेंडिंग लाइंग विद द एफएम। सो फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन का मुद्दा इतना छोटा और इतना आसान नहीं है, जो पिछले 30 साल से सॉल्व नहीं हुआ है उसके लिए हमारे जो यूनियन हैं, जो हमारे पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो उनके टीम्स बार बार मिल रही है एमपी से, एमएलए से अथवा मिनिस्टर से, लेकिन जब तक यूनियन का यूनाइटेड फोरम जब तक आईबीए के साथ मिल बैठ के जब तक ये डिसाइड नहीं कर लेता है कि हमको किस मॉडल अडॉप्ट करना है, हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, हमारे पेंशन फंड का अपडेशन क्या है, हमें कितना बर्डन होना पड़ेगा, और एक म्यूचुअल टर्म्स कंडीशन बना के एक डिटेल प्रपोजल जब तक गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, तो फ्रेंड्स तब तक ये असंभव लग रहा है कि ये पेंशन अपडेशन का मुद्दा सॉल्व होगा। सो ये इंसिस्ट करना है कि जो हमारे ये रिटायरी एसोसिएशंस हैं ये आईबा पे प्रेशराइज करके आईबा से प्रपोजल पहले भिजवाएं, क्योंकि एमपी एमएलए हमारी बातों को ध्यान देते हैं, वो मुद्दा उठा देते हैं, और वो मुद्दा उठाने के बाद उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि उसको परसू करें। इसलिए जब तक प्रपोजल नहीं जाता है तब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल या कोई डिसीजन आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। फ्रेंड्स, दिस इज अपडेट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।